दोस्तों, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है, जब हम पीपीटी को रन करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर तो पीपीटी ऑटोमेटिकली रन नहीं होती। हम जब अपने कंप्यूटर लैपटॉप का माउस का बटन दबाते हैं तभी रन होती है, यानी कि जब हम कीबोर्ड या माउस का बटन दबाएंगे तभी पेज यहाँ पर आते जाएंगे और हटते जाएंगे। हमारे माउस के कंट्रोल के द्वारा ही पावर पॉइंट पीपीटी रन होती है। तो दोस्तों, हम इसे ऑटोमेटिकली कैसे रन करें? तो दोस्तों, उनका कहना है आखिर हम इसे ऑटोमेटिकली रन कैसे करें, हम केवल एक की दबाएं और पर्टिकुलर कोई टाइम डालें और यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम से ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट पीपीटी रन होती चली जाए। तो इस तरह का आपका भी क्वेश्चन है तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक शुरू देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, पावर पॉइंट पीपीटी को ऑटोमेटिकली रन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है ट्रांसलेशन मेन्यू बार में। ट्रांसलेशन मेन्यू बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग मिलेगी। सेटिंग में आपको मिलेगी ड्यूरेशन एंड यहाँ पर आफ्टर एंड माउस, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ड्यूरेशन अगर चेंज करना है, आपको यहाँ पर 2 सेकेंड के अलावा कुछ और सेकेंड रखना है, 5-6, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो माउस का चेकबॉक्स है इसको डिसेबल कर देना है और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पर कुछ टाइमिंग दी है, टाइमिंग को आपको सेट करना है। सेट करने से पहले पावर पॉइंट का आपको फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप पहला पेज सिलेक्ट नहीं करेंगे तो सभी में आपके टाइम सेट नहीं होंगे, ठीक है। आप जो पेज सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे जो जो पेजेस आएंगे उनमें ही टाइम सेट होगा, ठीक। तो यहाँ पर आफ्टर हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया चेकबॉक्स को, और दोस्तों यहाँ पर आपको टाइम सेट करना है कि आपकी पीपीटी ऑटोमेटिकली जब रन हो तो पेजेस कितनी देर बाद रुके और कितनी देर बाद चला जाए, है ना। तो ड्यूरेशन यहाँ पर है तो आप यहाँ पर कितने सेकंड तक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड तक रख लेता हूँ, ठीक है। आप जब पीपीटी रन करेंगे तो 5 सेकंड तक आपका पेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड पेज आएगा, थर्ड पेज आएगा। इतनी सेटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल कर देते हम। अप्लाई टू ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा पीपीटी रन करने का फंक्शन। आप F5 की दबाकर भी पीपीटी को रन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और पीपीटी को रन करके देखते हैं कि 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली हमारी पावर पॉइंट पीपीटी रन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ठीक है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 सेकंड बाद नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहाँ पर हम कोई भी कीबोर्ड का या माउस का बटन नहीं दबा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली रन हो रही है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में पीपीटी, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर पेजेस 5 सेकंड बाद आ रहा है, है ना। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट पीपीटी को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, ठीक है। तो आप इस तरह से सेटिंग करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट पीपीटी ऑटोमेटिकली रन होगी आपके सिस्टम में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।